नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। गुरुवार 20 अप्रैल 2023 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगने की घटना को अशुभ माना गया है और इसका प्रभाव कभी राशियों पर पड़ता है, लेकिन ग्रहण के दिन ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन मंगल की राशि मेष में बुध भी विराजमान रहेंगे और बुध की राशि मिथुन में मंगल ग्रह होंगे। ऐसे में मंगल और बुध की युति होगी। मंगल और बुध की इस युति को कई राशियों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जानते हैं मंगल और बुध की युति किन राशियों के लिए अशुभ साबित होगी। सबसे पहली है मेष राशि। सूर्य ग्रहण में मेष राशि वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बुध और मंगल का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है और साथ ही धन हानि की भी संभावना है। इसके अलावा आती है वृषभ राशि। सूर्य ग्रहण के दिन मंगल और बुध का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए अशुभ रहने वाला है। आपको कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें। यात्रा और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें। इसके अलावा बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए भी मंगल बुध की युति अशुभ साबित होगी। इस दौरान आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे और घर परिवार का माहौल भी आपको परेशान करेगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव रहेगा, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। इसके अलावा बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य ग्रहण के दिन मंगल और बुध की युति से बनने वाले अशुभ योग का परिणाम आपके लिए भी अशुभ रहेगा। इस दौरान सेहत को लेकर परेशानी झेलनी पड़ेगी और जीवन साथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मंगल और बुध की युति का अशुभ प्रभाव मकर राशि वाले लोगों की सेहत पर पड़ेगा। आपको आँख और गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने के कारण कामकाज में ध्यान लगा पाना मुश्किल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।